देखिए, किसान कल्याण प्राधिकरण इस नाते से एक नई संस्था ने पिछले वर्ष बनाई थी, और उद्देश्य किसान कल्याण प्राधिकरण का यह है कि किसानों को किस प्रकार से जो आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती, उनकी मार्केटिंग, क्या क्या फसलों के हिसाब से उनको कैश क्रॉप के नाते से ज़्यादा लाभ हो सकता है, इनकम कैसे बढ़ सकती है, तो इस प्रकार की एक प्राधिकरण की व्यवस्था हमने की थी। और उसमें जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, नॉन ऑफिशियल जो प्रगतिशील किसान हैं, और डिपार्टमेंट के कई 4-5 डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी उसमें सब शामिल हैं, खुलकर के चर्चा हुई है। उसमें कुछ कमेटियां बनाने का भी आज एक प्रस्ताव पारित किया है कि जैसे सॉयल के नाते से, जैसे क्षारीय पानी जो है उसका उपयोग करना, जैसे और अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, जो खेती के साथ जुड़ी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे किसान की आमदन बढ़े, तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाने का आज प्रस्ताव किया। अगली बार मीटिंग में वो सब कमेटियां अपनी अपनी कोई ना कोई रिपोर्ट्स लेकर के आएंगी। तो इस प्रकार का किसानों के हित में प्राधिकरण का एक प्रारूप। उसमें उन्होंने कहा ना, 5-6 कमेटियों का एक विचार आया है, तो 3 महीने के अंदर इन कमेटियों का गठन होगा, एक एक मीटिंग वो करेंगे, 3 महीने के बाद फिर से प्राधिकरण की मीटिंग होगी, उसमें रिपोर्ट अपनी देंगे। वो सब बन गया, उसकी रचना बन गई है। वो जो कुछ हमारे 5-6 मंत्री हैं, मेरी चेयरमैनशिप में वो कमेटी बनी है, कुछ अधिकारी हैं, 3 महीने के अंदर बताया ना कमेटियां बनेंगी भी, एक मीटिंग भी करेंगे, और 3 महीने के बाद सारी अपनी रिपोर्ट भी देंगे। रटी रटाई बातें करना अच्छा लगता है, उनको कुछ नई खोज इसमें करनी नहीं पड़ती है। वर्षा के दिनों में पानी भी भरेगा, वर्षा के दिनों में पानी निकाला भी जाता है, वर्षा के दिनों में इस प्रकार की सारी बातें हर समय होती हैं। प्राकृतिक चीज़ों को हम रोक नहीं सकते हैं, हमारे यहाँ तो व्यवस्थाएं फिर भी अंडर कंट्रोल हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कितने प्रदेश हैं इसके अंदर बाढ़ के अंदर बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन ये वर्षा के दिनों में ये हर वर्ष होता है, और हर वर्ष हम उसकी मुस्तैदी से उसकी व्यवस्था करते हैं। और अगस्त के महीने में जब बरसात थोड़ा रुकती है, उसके बाद सारा पानी नेचुरल फ्लो के नाते ड्रेन आउट अपने आप होता है, ताकि जहाँ पानी रुक जाता है उसको फिर पंपिंग सेट के द्वारा पंप आउट करते हैं। तो वो सारी तैयारियां हमारी हैं, किसी को भी इस प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी कि पानी में खड़ा रहेगा। और जहाँ तक किसानों की बाकी सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं हम दे रहे हैं, चाहे उसके बिजाई के लिए खाद की व्यवस्था होती है, बीज की व्यवस्था होती है, इम्प्लीमेंट्स जो हम नई नई योजना रोजाना दे रहे हैं कि उसके अंदर हम उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि कौन कौन से किसानों को अप्लायंसेस चाहिए, उसके अंदर सब्सिडी भी दे रहे हैं, इसलिए किसान को कहीं कोई परेशानी नहीं है। केवल परेशानी है तो विपक्ष के नेताओं को है, इसलिए कुछ ना कुछ बोलना इसलिए बोलते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि संसदीय मर्यादाएं ये रखना बहुत ज़रूरी है, और जब भी कोई संसदीय मर्यादा को तोड़ करके किसी प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे तो संसद में तो उनको जवाब दिया ही जाएगा, बाहर भी दिया जाएगा, पार्टी के नाते दिया जाएगा, लोग भी जवाब देंगे। इस प्रकार से एक अच्छा चयन राष्ट्रपति महोदया जिस प्रकार से वो किया गया है कि एक आदिवासी महिला को, और पहली बार देश में एक राष्ट्रपति के नाते से ये संवैधानिक पद दिया गया है, और सब लोगों ने, यानी विधायकों ने, सांसदों ने वोटिंग के द्वारा दिया है, तो इस प्रकार ये शब्दावली का उपयोग करना किसी के द्वारा भी किया गया हो निंदनीय है, और इसका जवाब जो है स्तर पर दिया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर सब चीज़ों को देखा जा रहा है, और हमारी राष्ट्रीय इकाई है उन सब चीज़ों को देख रही है, राष्ट्रीय इकाई सब चीज़ें ठीक करेगी। अमृत महोत्सव इस बार जो हम 75 साल की आज़ादी मिलने के बाद जो सारे देश भर में वातावरण बनाया जा रहा है, उसमें यही है कि देश के सामान्य नागरिक में, युवाओं में कैसे देशभक्ति का भाव ये जागृत हो, देश के साथ अपने आप को वो जोड़ें, और जब देशभक्ति के भाव के नाते से समाज जब काम करने लगता है तो देश की प्रगति
अपने आप बहुत चीज़ों में होती है, सोच बदलने का विषय होता है। तो इस प्रकार इस अवसर का हम आह्वान करते हैं कि घर घर तिरंगा या हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इसमें सरकारी व्यवस्थाएं भी काम आएंगी, इसमें एनजीओज भी काम करेंगे, इसमें अन्य संस्थाएं भी काम करेंगी। हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग भी की और पार्टी के सब पार्टियों के नेताओं ने भी इस बात को सराहा है कि तिरंगा लगाने में किसी को आपत्ति भी नहीं है और वो भी योगदान करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों पर 13, 14, 15 तीन दिन का ये अभियान है झंडा लगाएं। झंडे उपलब्ध करा दिए गए हैं सब जगह, उसके जो व्यवस्था बांधने की, डंडे लगाने की, वो भी सब चल रही है और मैं समझता हूँ कि ये सारा अभियान बहुत अच्छे से बहुत तरीके से पूरा होगा। सम्मान पेंशन जिनको दी गई है उनकी काटनी नहीं चाहिए सम्मान के तौर पर, दूसरी तरफ आपने जो खाता तैयार किया गया वो इनकम के आधार पर, देखिए हमने इनकम के आधार पर नहीं किया। पहले दिन से चौधरी देवीलाल जी ने जब शुरू किया था तब भी इनकम थी, बाद में लगातार उसमें इनकम की बढ़ोतरी होती रही और इस समय जो इनकम का क्राइटेरिया है 2 लाख रुपया यानी कपल की, जो बुजुर्ग हैं वो पति पत्नी की दोनों की आय 2 लाख रुपए तक है तो ही उसकी ये बुढ़ापा पेंशन बनती है, इससे ऊपर की नहीं बनती है। लेकिन कुछ लोगों ने जब कभी चेक नहीं किया, कभी उसका कंट्रोल नहीं किया और अच्छी इनकम के ऐसे जो लोग हैं उनकी भी बुढ़ापा पेंशन बना दी गई है। अब नई पेंशन अगर बनानी है तो आखिर बजट के अंदर ही सारा कुछ रखना पड़ेगा। जो पात्र नहीं हैं उनको पेंशन न मिले, पात्र जो हैं उनको पेंशन मिले, और चाहे बुढ़ापा पेंशन है या कोई और सुविधाएं हैं, जो भी उसके पात्र लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं, चाहे राशन की बात है, चाहे अन्य फीस माफ़ी की बात है, सब चीज़ें हैं। और जैसे फीस माफ़ी के बारे में बहुत सी चर्चा हो रही है कि सरकारी स्कूलों में तो फीस लेने लग गए हैं, प्राइवेट स्कूलों को जो है रीएम्बर्स करने लग गए हैं। हमारा एक फार्मूला है कि 1,80,000 रुपये से नीचे के परिवारों से जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूलों में हो, पहले प्राइवेट स्कूलों में उनको फीस देनी पड़ती थी, हमने उनको भी एक अवसर दिया कि अब आपकी फीस भी सरकार जो है रीएम्बर्स करेगी। इसलिए किसी प्रकार के या नाप शनाप जो प्रचार किया जा रहा है कि सरकारी में फीस ली जा रही है, सरकारी जो स्कूल हैं संस्कृति मॉडल स्कूल, उसी में प्रावधान किया है कि जो 1,80,000 से ऊपर के परिवार हैं, आखिर स्कूलों की व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं, वहीं उन छात्रों के लिए स्कूल के लिए एक निधि गठित की गई है। नॉमिनल सी फीस उन परिवारों से ऊपर से ली जाती है जिनकी आय 1,80,000 से ऊपर है, और वो भी केवल संस्कृति मॉडल स्कूलों में, अन्य स्कूलों में कहीं कोई फीस ऊपर नीचे कहीं भी किसी से नहीं ली जाती है। ऐसे ही राशन कार्ड है, राशन कार्ड भी जो बीपीएल के लोग हैं उन्हीं के राशन कार्ड ऑटोमेटिक बनने लग गए हैं, जो बीपीएल के नहीं हैं उन्होंने अगर गलती से बनवा रखे हैं तो उनके वो कटेंगे ही। आखिर एक न्याय की व्यवस्था है तो न्याय सबको ही इसका पालन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सरकार से लाभ जो पात्र नहीं है वो नहीं उठाना चाहिए, ऐसी मेरी उनसे अपील भी है। एक विषय और मैं आपको जानकारी के लिए देता हूँ, आपको जानकारी मिली होगी, राइस स्कूल में 2 बच्चों का विषय, वो 2 बच्चे कल जो है वो स्कूल से निकले थे, व्यक्तिगत कारण कोई भी रहे होंगे लेकिन दीवार फांद करके वो चले गए और दोनों बच्चे जयपुर में मिल गए हैं। उनके रिश्तेदार, एक तो परिवार है ही जयपुर का, राजस्थान का है, एक परिवार पानीपत का है, वो दोनों बच्चे मिल करके और अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए थे, वहाँ से वो मिल गए हैं और शाम तक कल सवेरे स्कूल में उपस्थित हो जाएंगे। देखिए ये पूरे टर्म की बात होती है, 5 साल में अंदर कहीं ना कहीं, तो 5 साल के अंदर धीरे धीरे करके पूरा कर देंगे।